69,000 थर्ड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में भारी गड़बड़ी, जिससे अभ्यर्थियों में छाई नाराजगी। यह हम नहीं कह रहे हैं, जिन छात्रों का अहित हुआ वो कह रहे हैं, समस्त मीडिया कर्मी भी कह रहे हैं, जो कि आज के समाचार पत्रों में ये खबरें भारी मात्रा में छाई हुई हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या गड़बड़ी हुई है। उससे पहले सहायक शिक्षकों के 6,696 पदों के लिए ये चयन सूची तैयार की गई है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि 2,833 अनारक्षित पदों के सापेक्ष 2,257 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त 1,571 पद के सापेक्ष 2,147 ओबीसी के अभ्यर्थी हैं। इसमें 576 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में शामिल किए गए। एससी के रिक्त 1,128 व एसटी के 1,164 पद, यानी कि कुल 2,292 पदों पर एससी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं पर 2,425 महिला अभ्यर्थी, 13 शिक्षा मित्र व 1,208 दिव्यांग सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन भारत समाचार ने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का यह मामला है, तीसरी लिस्ट में स्पष्ट रूप से नहीं है आंकड़े, लिस्ट में आंकड़ा छिपाए जाने से अभ्यर्थी नाराज, तीसरी काउंसलिंग लिस्ट में भारी गड़बड़ी है, कैटेगरी सब कैटेगरी गुणांक को छुपाया गया है और बताया गया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी में है नाराजगी, गुणांक को छुपाने से लिस्ट में धांधली की आशंका, ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे इसके लिए प्रदर्शन, फिर से लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन इसके लिए करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अहित जो है वो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के यहाँ किया गया है और इसके लिए लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं सोमवार से। तो